दोस्तों, अगर हम मात्र 5 साल पहले का इलेक्ट्रॉनिक डाटा देखें तो उस वक्त के हमारे भारत के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड हैं वो अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। और साथ ही आज के वक्त में ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जो भारत की हिस्सेदारी थी वो भी अब 15% से कम हो गई है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि भारत समेत कई देश के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स चीन पर अब निर्भर होते जा रहे हैं। और इसी की वजह से दोस्तों, चाइना अब तक सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाने वाला देश बना हुआ है। और दोस्तों, चाइना की इसी गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए हमारे देश की भारतीय ब्रांड SCL ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन ले लिया है। और अब SCL के द्वारा भारत में IPIC फाउंडेशन की जाएगी। और दोस्तों, इस फाउंडेशन के माध्यम से भारतीय कंपनियों की कई सारी परेशानियों को हल किया जा सकेगा, क्योंकि SCL अब भारत में करीब 800 मिलियन सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग करने का ठान चुकी है। और साथ ही दोस्तों, SCL ने काफी बड़े MOU को साइन कर लिया है भारतीय गवर्नमेंट के साथ। क्या है दोस्तों वह पूरी अपडेट आज की इस छोटी सी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसलिए वीडियो आप पूरी देखिएगा। और इसी के साथ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपका हमारे साथ जुड़ना ही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो दोस्तों, मेन खबर यह है कि SCL 700 मिलियन चिप तो बनाएगी ही, साथ ही 11,000 मिलियन स्वदेशी टेबलेट का भी निर्माण करेगी, जो कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर जो अमेरिकी 40 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक टेबलेट मार्केट है उसे बीट करेगा। और साथ ही SCL के ऑफिशियल्स का कहना है कि जो भी ब्रांड भारतीय मार्केट में डूब चुके हैं उसे फिर से हम भारतीय मार्केट में लाकर रहेंगे। और साथ ही जो आज के वक्त में चाइना पर निर्भरता दिन ब दिन तेजी से बढ़ती जा रही है उसे हम खत्म करेंगे, और इसके लिए भारतीय स्वदेशी निर्माण और लोकल मैन्युफैक्चरर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। और यहीं पर दोस्तों, हम बात करें LED ड्राइवर चिप की मैन्युफैक्चरिंग करने की, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक लैंप और कंपोनेंट सेंसर के साथ आपस में मिलकर कार्य किया जाएगा। और हमने अभी हाल ही में देखा कि अमेरिका की कई सारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ने भी भारत के साथ कई सारे मेमोरेंडम MOU को साइन किया था, और वो भी भारत के अंदर ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के अंदर काम कर रही हैं। और इसी के चलते ही अभी हाल ही में SCL के CEO भारत आए और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की, और यह डिसीजन लिया कि आज के वक्त में भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आज के वक्त में जिस प्रकार से चाइना ग्लोबल लीडर बना बैठा है यह सही नहीं है, और इसके लिए हम भारत के साथ मिलकर चाइना की इस डोमेन्स को पूरी तरीके से खत्म करेंगे, और साथ ही भारत के अंदर हम अपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एवं चिप सेट बनाएंगे और भारत की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को और ज्यादा बढ़ावा देंगे। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों SCL के द्वारा दी गई इस रिपोर्ट को लेकर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दें। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिफेंस एवं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।